जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सामने बैठे हम सबके जो आगंतुक आए हैं, जो अभिभावक हैं हमारे, जनता के लोग अब फैसला करेंगे। फैसले की घड़ी है, निर्णायक भूमिका तो आप लोग, हम लोग जो कर सकते थे हमने किया। आपने लोकदल के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद मुझे जिम्मेदारी दी और मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसे फैसले समय पर लूं जिसका लाभ और प्रभाव आपके जिंदगी में पड़े। उन लोग, उन क्षेत्र के, गांव के लोग और आसपास क्षेत्र के लोग, आप हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहे। मुझे खुशी हुई जानकर अभी बीते दिनों में शहीद भगत सिंह जी के परिवार के भी उनके परिवारजन यहाँ आए, आपने भरपूर उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी बातें भी यहाँ मन सजा के सुनी। मुझे वो भी दिन याद है जब ये चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिस तरह की आज बैठक हो रही है, एक उमंग, एक उत्साह, एक भावना आपने प्रकट की, उसी तरीके से, उसी मिजाज और मन दिल लेके आप लोग आए थे। मुझे हमारे चौधरी सूरजमल जी की भी याद आ रही है, क्योंकि जहां आपने मुझे बैठा रखा, मेरे बगल में वो बैठे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ के मुझे महसूस हुआ कि आपको तो बुखार हो रहा है चौधरी साहब, तो बुखार तो हो रहा है लेकिन मुझे तो आना था। चौधरी सूरजमल जी भी कभी कोई सामाजिक मंच छोड़ते नहीं, मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से, सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक बात अब चुनाव की है, चुनाव की ही जानी चाहिए, बिना किसी लाभ लपेट के। लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तीन छोटे क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग मुझे बहुत अच्छी तरीका जानते हैं। एक तो मथुरा, इस क्षेत्र से कई गुना ज्यादा वहाँ गाँव, छोटे छोटे गाँव, 10-15 घर के बदले हैं। कभी उनकी बसावट हुई बड़े गाँव से निकल के, निकासी उनकी, अब उनके वही सब परिवार, वही उनका गाँव। फिर भी मैंने कोई छोटा गाँव वहाँ छोड़ा नहीं, हर गाँव में मैं गया। उसी तरीके से बागपत क्षेत्र तो ऐसा है, जो आप जानते हो, चौधरी चरण सिंह जी के समय से चौधरी अजीत सिंह जी वहां चुनाव लड़ते भी थे और जीतते भी थे। पिछला चुनाव में वहां से लड़ा हूं। तीसरा क्षेत्र ये आपका है, क्योंकि कैराना में जब बाय इलेक्शन हो रहा था तो मुझे लगता कि इस क्षेत्र में भी कोई गांव अछूता नहीं रहा जिसमें हम और आपने जाकर कराया। तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओ। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होगा। शतरंज भी यहाँ खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो गया और फिर मार दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी, जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। देखो हमें कुमलाल नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के। देश में क्या हो रहा है, कौन से मुद्दे आगे बढ़ चढ़कर जिनकी सरोकार जनता के बीच में है, विश्वास जनता का किन लोगों पर है, उसे हमने और आपने भी देखा। और नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कभी कभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया,
और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता साथ जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूं। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही है, उस बात के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति भी नेता होता है। लोकल वालों को समझा सकता हूँ, मैं तो लोकल के लोगों से खासतौर से बात करने आया हूँ। बीजेपी के उम्मीदवार है हमारे लोकल वाले, पूरे अधिकार के साथ इनसे काम भी लेंगे और लोकल के मान सम्मान और कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हम कसर कर भी सकते हैं, ये कसर नहीं छोड़ने वाले। मैं लोकल के लोगों से खासतौर से बात यही करना चाहता हूँ कि हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किया, अब आप भी सोचिए हमारे जो मुद्दे हैं, आप किसान की तरफ देखिए, किसान की अगली पीढ़ी जो है, चौधरी अजीत सिंह जी क्या हमारे क्षेत्र के लिए चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ जमीनें तो उतनी छोटी रहनी, बंटवारे होते रहे, आगे भी होंगे, सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि खेती के लायक जमीन तो और कम बचेंगे, जब तक कोई दूसरा स्रोत खड़ा नहीं होगा रोजगार का, खेती से अलग हटके भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विस्तार होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लास्ट चीनी का उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने स्थापित किया और उसके बाद कोई बहुत ज्यादा तरक्की हमने होती नहीं देखी। अब हमने देखा है कि सरकार ने जो केंद्र में है, उन्होंने एक इच्छा शक्ति उनकी है जो प्रबल है और जो दिखाई पड़ती है, इनके नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। जब तक ये सोच हम समाज में और नेताओं में पैदा नहीं करेंगे कि काम कोई कमजोरी या छोटा नहीं होता, खासकर मजदूरी करने वाला मजदूर, जो कारीगर है, कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, जो हाथों से काम करते हैं, आपको लगता है कि यार ये बहुत छोटे काम। कई बार मुझे लोग आके मिलते हैं कि हम तो बड़े छोटे समाज से, मुझे टोकना पड़ता है कि छोटा समाज क्या मतलब होता है। तो ये जो छोटे बड़े की आपस में बैर करने की हमारे क्षेत्र में पुरानी फितरत रही और ये रोज की तरह है, इस व्यवस्था से बाहर निकलते हो, शहर में चले जाते हैं लोग, तब भी वो जाति से नहीं ऊपर उठ पाते। यही तो चौधरी चरण सिंह जी की मुख्य लड़ाई थी, वो जातियों को के महत्व इतना ही देते थे कि उनको यह समझ में था कि मंच पे राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक मुख्य धारा में हमें ख्याल रखना है, कोई भी जाति वंचित ना रह जाए। इसलिए बहुत से ऐसे समाज के लोग जिनको कभी मौका नहीं मिला, चौधरी साहब ने बीकेडी के समय से उनको चुनाव भी लड़ाया, संगठन भी हुआ, आज वही हम स्थिति देख रहे हैं, वही एक राजनीतिक सोच देश में विकसित करने की कोशिश सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। एक योजना का नाम बताना चाहता हूं, जो उदाहरण है विश्वकर्मा योजना, नरेगा योजना है मजदूर के लिए, लेकिन गांव में हो या शहर में हो, जो कारीगर है, जो नाव बनाता है, जो बर्तन बनाते हैं, जो मूर्तिकार है, जो माला बनाते हैं, वही लोहार, कुमार, सुनार, इनके लिए कौन सी योजना बनी थी? 13,000 करोड़ की योजना है, किस तरीके से इन लोगों को हम प्रशिक्षित करें, उनको लाखों रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था अभी सितंबर 2023 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, इसकी अभी शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग मंचों से इसलिए बताने आए हैं कि बहुत बारीकी से सोचा जा रहा है किसान और कमेरे की। अब किसान की मुख्य बात है दाम की, हर फसल का दाम कैसे बेहतर किसान को दिया जाए, कैसे सुनिश्चित हो। गन्ने की फसल की अपनी समस्याएं हैं, अब मैं धान का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आज यहां अखबारों में छपी नहीं होगी बात, पहली बार भारत सरकार ने 2020 में इसका प्रयोग किया, बाली में मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस भी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, और वहां एक
औजार तैयार किया गया। पांचवी बार 2020 के बाद भारत सरकार ने इसको प्रयोग किया है किसानों का बचाव करने के लिए। आपको मालूम है कि डब्ल्यूटीओ के नियम है कि भारत जैसे विकासशील देश, कृषि प्रधान देश, जितना किसी फसल का देश में उत्पाद होता है उससे 10% ज्यादा समर्थन किसानों को नहीं दे सकते। यह आज की शर्त नहीं है, आज का कानून नहीं, पहले से लागू डब्ल्यूटीओ के तहत चल रहा है। लेकिन 2020 में सरकार ने कहा नहीं, हम बड़े पैमाने पे किसानों से खरीदना भी चाहते हैं, उसका भंडारण भी करना चाहते हैं, उसका वितरण करना चाहते हैं। और फिर हाल में पांचवी बार भारत सरकार ने कहा कि धान की हमने टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 5300 करोड़ डॉलर है और हमने उसका 12% यानी 10% को लांग दिया, 12% समर्थन अनुदान के रूप में, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, बिजली की सब्सिडी हो या खरीद रहे हो किसान से, 12% तक हमने दिए और भारत सरकार ने छूट मांगी है कभी की। तो मंच पे कह देना बहुत आसान है, लेकिन भारत सरकार मेरी नजर में आज ये विषय को लेकर बेहद गंभीर है। और जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है वो किसान के नाम पे कभी क्यों कोई कसर छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। और जो कमियां थी, जो कमियां नहीं हो, जब पहले लोकदल का आदमी खड़ा होता था तो बुरा मत मानना बीजेपी के साथ हो सकता है सरकार में तो आप ही लोग थे, हम लोग तो सड़क पे थे, आप लोग सड़क पे, आप सदन में थे, हो सकता है ये लोग सोचते हो प्रतिद्वंदी आ गए हमारे। लेकिन आज जब लोकदल का रंग हरे रंग का पट्टा और टोपी पहन के आप जाओगे तो कहेंगे हमारे सहयोगी आ गए, हमारे साथी आ गए। जब मैं किसी मेज पे बैठ के, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ हो, चाहे देश के किसी कार्यालय के अंदर हो, किसी मंत्रालय की बात हो या प्रधानमंत्री के सामने की बात हो, अगर मैं खड़े होकर यहाँ सामने के लिए या किसानों के लिए जो लोकदल की विचारधारा चौधरी साहब की है उससे जुड़ी कोई बात कहूंगा तो आज उस बात को लोग हाथों हाथ लेंगे, गले मिलाकर हमारे काम को पूरा करने चौधरी। ये एक और एक ग्यारह, अब अखिलेश जी तो मुझे 6 और 7 का गणित सिखाना चाह रहे हैं पर मैंने बता दिया, देखा हमें दे रहे थे और मारना हमें चाह रहे तो इसका तोड़ भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों पे पूरे अधिकार के साथ, आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना, ऊन के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से मुझे जाना है मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर, आज कार्यक्रम बिजनौर क्षेत्र के लिए। मैं आखिर में कहता हूँ, अगर आप बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का नाम सुना है जी, बहुत बढ़िया सच्ची है, करीब से देख रखे हैं, मुझे लगता है कि कितने लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं बताओ, लोकल वाले कितने लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत विधायक, आप सबके चुनाव में डॉक्टर सांगवान जी करने आए थे, मदद करने आए थे। और चंदन चौहान नौजवान है, संजय चौहान जी भी आए थे, उनको भी जानते हो आप। अगर उन दोनों सीट पे लोकल को जिताना चाहते हो तो जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोटों से प्रदीप जी को जिताना चौधरी। पहले समय होता था कि आप कहीं कुछ कह दो, दूसरी जगह जाके कुछ और कह दो, अब नहीं पॉसिबल, ये जो है ना भोर वाले। तो अगर बागपत में आप नुकसान नहीं कराना चाहते, बाद में लोग खबर बनाएंगे तो कुछ ऐसी कर गए इशारा, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, मैं तो खुल के जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, पहले सोच के नहीं आया था, कोई लाल लपेट नहीं है, सीधी ईमानदारी से बात, हम लोग साथ ही अड़ा के हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को ठिकाने की जरूरत नहीं, हम साथ ही अड़ा के ईमानदारी के साथ इनकी भी कुछ व्यवहारिक बातें हैं, ये काम लेना भी जानते हैं, ये व्यवस्था बनाना भी जानते हैं। कांग्रेस के साथ 5 साल हमने राजस्थान में सरकार में साझेदार थे, उनके 99 विधायक आए थे, भरतपुर से हटा एक आया, तब सरकार बनी थी। लेकिन 5 साल बाद में बताना चाहता हूं,
पांच साल हम उनको जाके कहते थे कि हाँ विश्वविद्यालयों में चौधरी चरण सिंह जी की पीठ स्थापित कर दो। राज्यपाल से हमारे लोग मिलते हैं, राज्यपाल जी ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, राज्य सरकार प्रस्ताव तो भेजे। और फिर जब चुनाव आया, पिछली बार दो सीट दी थी, इस बार एक काट के एक कर दी, कहीं पूछा नहीं कि प्रचार करने आ जाओ, मैं तो उनकी मदद करता। यहाँ बीजेपी 13 तारीख में मुझे बीकानेर और चूरू बुला रही है कि आइए और 400 पार का नारा दे दे मोदी जी को मजबूत। तो ये तो फर्क दिखाई दे रहा होगा लोगों को। हम लोग जो करते हैं मान सम्मान के लिए करते हैं, बाकी सब बात पीछे है। जो पगड़ी बनाई वो मान सम्मान की पगड़ी है, वो मैच कपड़ा नहीं है, मैंने उतार दी बदमान ना। चौधरी अरिजीत सिंह जी के जाने के बाद सब लोगों ने जवाब मुझे पगड़ी पहनाई है, तो मैं तो ये मानता हूँ जो पगड़ी आपके मान सम्मान की बहुत बड़ी मान सम्मान की रक्षा भी आपको करनी है, हमारे गठबंधन को मजबूत बनाना। चौधरी साहब